मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। काबिले इज्जत जनाब जाफरी साहब, प्रेसिडेंट CGSS, कर्नल खादर साहब, आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलवाया। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं इस हक में नहीं हूँ, मगर चंद फ्यू, ये जो कश्मीर में इंसानियत की बहुत बड़ी बर्बरियत इंतहा हो गई है, कश्मीर ने हमारे साथ की जो कर रहा है, मैं इस फोरम के ताल्लुक से इंटरनेशनल मीडिया को भी और इंटरनेशनल दुनिया को भी ये कहना चाहता हूँ कि आज कहाँ गए हैं वो ह्यूमन राइट्स के जो बड़े दावेदार थे, आज वो क्यों नहीं बात कर रहे, इस पे क्यों नहीं, क्यों खामोश होकर बैठे हैं। हमारे नस्लों की रस्सा कुशी हो रही है, मुसलमान को ही क्यों, वहाँ पे कश्मीर में मसीही भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, तमाम माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे क्यों इसी तरह की बर्बरियत हो रही है और क्यों नहीं यूरोपीय यूनियन, इंटरनेशनल दुनिया क्यों नहीं आवाज़ उठा रही, क्यों नहीं हमारे साथ खड़ी होगी। लेकिन मोदी साहब को ये अंदाज़ा नहीं है कि उसने इंसानियत की कितनी बड़ी अखीर कर दी है, कि जुल्म की, कि हमारी नस्ल कुशी को उसने बर्बादी की तरफ ले गया है। और मैं ख़ास कर जो बेनहत्ते हमारे बहनों भाई जिनकी इज्जतें आबरू हुई, उनके लिए दुआए खैर भी करता हूँ और दिल की गहराइयों से अफसोस भी हम करते हैं कि जो ये जो भी कुछ हुआ ये हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। लिहाजा मैं इस वक्त आप सब के लिए दुआगो हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं नहीं बात कर सकता। थैंक यू बहुत बहुत, अस्सलाम वालेकुम।